अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैंने बनाया है जी चिकन और वेजिटेबल पास्ता, और आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको इसकी रेसिपी। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ, ठीक है जी। ये पास्ता जो है वो मैंने बॉयल करके रख लिया है, तो इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको बॉयल किया था और बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। और ये चिकन लिया है मैंने बोनलेस, तकरीबन ये 1 किलो चिकन है। उसके अलावा मैंने शिमला मिर्च ली है, तकरीबन 2 शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की। 3 ये आलू हैं तकरीबन, ये भी मीडियम साइज़ के हैं। और 3 ही मैंने गाजरें ली हैं। ये थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, इसके मैं सिर्फ 1 चम्मच डालूँगी। और ये मेरे पास स्प्रिंग अनियंस हैं, ये भी मैंने 3 लिए हैं और ये मैंने बारीक चॉप करके रख लिए हैं। उसके अलावा ये मेरे पास 2 चम्मच जो है, 2 टेबल स्पून ये वाला चम्मच, ये मैंने लिया है जी सिरके के, वाइट विनेगर। और इसके अलावा ये मैंने लिया है जी सोया सॉस, ठीक है, ये 3 चम्मच मैंने सोया सॉस के लिए। उसके अलावा ये फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, तकरीबन 1.5 चम्मच काली मिर्च। ये थोड़ा सा मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है, और ये मैंने चिकन सॉल्ट लिया है, और ये मैंने सादा नमक लिया है, तकरीबन ये 1 चम्मच सादा नमक है जी। हॉट चिली सॉस ये आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों ने खाना है तो आप चिली थोड़ी सी कम ही रखें, अदरवाइज़ जो है आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हॉट चिली जो है वो ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे पास है ऑलिव ऑयल, ठीक है, आप चाहें तो दूसरा ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन मैं इसके लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ऑयल डाला है, अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट बस हम लाइट सा ब्राउन करेंगे ताकि इसमें जो है फ्लेवर आ जाए गार्लिक का और जिंजर का। ठीक है जी, तो ये अपना कलर चेंज कर रहा है, इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ब्राउन करना है, लाइट लाइट सा बिल्कुल। इसमें अब हम डाल देंगे चिकन, अपना कलर चेंज कर लें। चिकन में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसलिए डाला है, एक तो इसमें फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आता है गार्लिक का, और दूसरा जो है वो चिकन की जो स्मेल है वो दूर हो जाती है। चिकन जो है वो लाइट सा ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, मैंने डाल दी है गाजर, अब इसमें जाएगा सिरका, सोया सॉस। अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो सब्जियां हैं वो इसमें इसके अपने पानी में ही गल जाएं। देखिए सब्जियों में अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है, अब इसी पानी को मैं ड्राई करूँगी और इसी में सब्जियाँ जो है वो गल जाएंगी। और इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी, इसमें जाएंगे स्पाइसेस सारे, तो इसमें जाएगा जी हॉट चिली सॉस। अब इसमें जाएगा जी स्प्रिंग अनियन, और वेजिटेबल चिकन दोनों जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं, अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी। अब मैं इसमें पास्ता मिक्स कर दूंगी,
जी, तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। पास्ता हमारा रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ले जी, तो चिकन और वेजिटेबल पास्ता हमारा तैयार है, खाएं और इंजॉय करें।